नोएल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर मिंत्रा हॉल वीडियो। काफी टाइम बाद मैं मिंत्रा हॉल कर रही हूँ एंड आई होप आपको ये कलेक्शन अच्छा लगे। तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ कुछ फेस्टिव सेमी फेस्टिव कलेक्शन, जो कि टू पीस कुर्ता सेट है जिनको आप आने वाले फेस्टिवल्स में ट्राई कर सकते हो। वैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो छोटी मोटी पूजा जैसे फंक्शन गेट टुगेदर सब कुछ होने वाला है, तो उनमें आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो। कॉस्टली है तो सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंगल लिंक में मिल जाएगी माय हॉल पैक में, तो वहां से आप डायरेक्टली मिंत्रा के थ्रू बाय कर सकते हो। वैसे आज के वीडियो में टोटल ना 5 कुर्ता सेट है कुछ इस तरह से, काफी अच्छे अच्छे सूट सेट होने वाले हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो वैसे मैं ना काफी टाइम बाद मिंत्रा हॉल कर रही हूँ, तो अभी मुझे जितनी ब्रांड्स पता थी जिनके काफी अच्छे क्लोथ होते हैं वो मैंने कवर किया है, बट इनके अलावा अगर आपको कोई और ब्रांड पता हो मिंत्रा की तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, वो वाली ब्रांड की भी कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, तो जरूर से प्लीज कमेंट करना। यहाँ पे फर्स्ट मैंने जो कुर्ता सेट बाय किया है वो है ब्रांड सांगरिया से, एंड इसका प्राइस यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। और इस तरह से ना आपको टू पीस कुर्ता सेट मिल जाता है, मेहंदी ग्रीन कलर है एंड इसमें आपको बांधनी की प्रिंट मिल जाती है। तो कुर्ता सबसे पहले इस तरह से है, फुल स्लीव का कुर्ता मिलता है एंड लुक एट दिस। इस तरह से आपको योग पार्ट मिल जाता है, गोटा पट्टी मिलती है, आगे फ्रंट में बटन डिटेलिंग मिल जाती है जिससे अलग से ये ना थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देता है। फ्रंट में आपको इस तरह से दूरियां मिल जाती है एंड फुल स्लीव मिलती है। स्लीव्स में ना यहाँ पे बटन नहीं बट इलास्टिक दिया है जिसकी वजह से ना काफी अच्छा गैदरिंग लगता है स्लीव्स पे, जिसकी वजह से इसका लुक और भी अच्छा आता है। ये ए लाइन अनारकली टाइप कुर्ती है और इसका फ्लेयर मीडियम है। इस तरह से पूरी कुर्ती में ना आपको बड़े बड़े बांधनी की प्रिंट मिल जाती है और नीचे की साइड पे इस तरह से अलग से बॉर्डर मिलती है जिसका बॉटम है उसी तरह की बॉर्डर आपको मिल जाती है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इसका जो फैब्रिक है दैट इज कॉटन विथ रेयन मिक्स है, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, काफी स्मूथ है एंड आप अपने फंक्शन एंजॉय कर पाओगे, काफी अच्छे इसका फैब्रिक है ये। बॉटम में ना इसके इलास्टिक के साथ और सेमी बैंड के साथ आपको ना ट्राउजर मिल जाता है और इसका फैब्रिक भी आपको कॉटन विथ रेयन मिलता है और ये वाली प्रिंट के साथ आपको मिलता है। नीचे की साइड से ना नैरो वाला फिटिंग है, ओवरऑल क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड काफी अच्छा भी लग रहा है। तो छोटे मोटे पूजा जैसे फंक्शंस में या फिर छोटे कुछ भी फेस्टिवल्स में भी आप उसको ट्राई कर सकते हो, कुछ इस तरह से है। ओवरऑल क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा अच्छा है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कुर्ता सेट, नेक्स्ट ना एक थ्री पीस कुर्ता सेट है, वो है ब्रांड इंडो इरासे। ये थोड़ा सा आई थिंक कॉस्टली है एंड इस तरह से ना व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, प्योर कॉटन मटेरियल में है एंड इसका फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके सो कुर्ते की हम बात करें तो व्हाइट कलर का एंड ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी के साथ आपको ये कुर्ता मिलता है। यहाँ पे आप ये डिटेलिंग चेक कर सकते हो, पूरा मशीन थ्रेड वर्क है और कॉटन के जो थ्रेड आते हैं ना उससे क्या है, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, काफी सटल टाइप की एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है। और ये देखिए फ्रंट में ही आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है, बैक साइड से आपको प्लेन मिल जाता है और आपको ना दोनों साइड स्लिट्स मिलती है, तो जो स्लिट्स है ना वहां पे भी आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। उसके साथ आपको अलग से कॉटन की लाइनिंग मिलती है, तो अगेन ट्रांसपेरेंसी का इश्यू नहीं आएगा। स्मूथ फैब्रिक है, काफी सॉफ्ट है, लाइक खादी वाला फैब्रिक है, वी नेक मिल जाता है और स्ट्रेट कट के साथ काफी इस तरह से लॉन्ग कुर्ता है। ओवरऑल क्वालिटी इज टू गुड और इसके साथ ना सेमी इलास्टिक बैंड के साथ आपको ट्राउजर पैंट मिल जाता है। इसमें कोई लाइनिंग नहीं है बट ये बिल्कुल भी लाइक पतला वाला नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी का है और नीचे की साइड से ना आपको नैरो फिटिंग मिलता है और अगेन यहाँ पे ना आपको ये मशीन एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है और एक कट भी मिल जाता है कुछ इस तरह से। कंप्लीट लुक आप ट्रायल में चेकआउट कर सकते हो। ओके सो इसके साथ ना कुछ इस तरह से आपको व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में ये वाला दुपट्टा मिलता है। दुपट्टे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉटन का दुपट्टा है एंड पूरी आपको इस तरह से प्रिंट मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल कुर्ता सेट आप ट्रायल में चेकआउट कर सकते हो, टोटली वर्थ इट है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट फैब्रिक टू गुड, स्टाइल भी बहुत अच्छी लग रही है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो काफी सटल एंड सिंपल है, उसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। सो इफ यू आर लवर ऑफ व्हाइट कलर और कुछ सिंपल सोबर स्टाइल करना चाहते हो फेस्टिवल्स में तो ये डेफिनेटली कुछ अलग आप ट्राई कर सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कुर्ता सेट, ये एक टू पीस कुर्ता सेट है, इस ब्रांड है इसकी अनाया।
स्मॉल साइज में बाय किया है मैंने और थोड़ा सा लाइक मुझे फिट आ रहा है। इसमें आपको इस तरह से रेड टोमेटो रेड कलर का पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है। सबसे पहले हम कुर्ते की बात करें तो इस तरह से ना आगे से काफ़ी डीप ये नेक मिलता है और स्टैंड नेक मिल जाता है। स्लीवलेस है, एक्स्ट्रा स्लीव्स आपको नहीं मिलती है और पूरे कुर्ते में ना इस तरह से पूरा सीक्वेंस का वेविंग का काम मिल जाता है। ओवरऑल कुर्ता फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा ये डीप है ये। और क्वालिटी की मैं बात करूँ तो इसकी फैब्रिक बहुत अच्छा है, लाइक कॉटन विद सिल्क वाला फैब्रिक है, काफ़ी अच्छी शाइन करता है। ओवरऑल पूरे कुर्ते में ना आपको सीक्वेंस की डिटेलिंग मिल जाती है इस तरह से, इफ अगर आप देख पा रहे होंगे तो। पूरा स्ट्रेट करता है ना लॉन्ग कुर्ता है, दोनों साइड स्लिट्स के साथ आपको मिलता है एंड फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ब्रीथेबल फैब्रिक है ये। सो अगर आपको ना ऐसा वैसा कोई भी फैब्रिक सूट नहीं होता है एंड काफ़ी कंफर्टेबल फैब्रिक ट्राई करना चाहते हो तो इसका फैब्रिक आप ट्राई कर सकते हो। आपको वैसे आइडिया आ रहा होगा वीडियो से ही कि ये बहुत स्मूथ फैब्रिक है ये। एंड इसके साथ आपको कॉटन फैब्रिक में नीचे सेमी इलास्टिक बैंड के साथ आपको इसमें प्लाजो पैंट मिल जाता है, ट्राउजर पैंट मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। वन साइड पॉकेट मिल जाता है एंड कुछ इस तरह से है ये। और ओवरऑल लुक आप ट्रायल में चेकआउट कर सकते हो, बाय करना चाहते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहां से आप बाय कर सकती हो। इसके बाद नेक्स्ट मैंने एक कुर्ता सेट खरीदा है जिसमें टू पीस कुर्ता है, कुर्ता विथ बॉटम कुछ इस तरह से। ये है ब्रांड सांगरिया से एंड इसमें मेरी जो साइज है वो मीडियम साइज में मैंने बाय किया है। तो इस तरह से ना आपको राउंड नेक मिलता है, 3/4 स्लीव मिल जाती है एंड पूरा शॉर्ट लेंथ कुर्ती है, ए लाइन कुर्ती आपको मिल जाती है, पूरी फ्लोअर प्रिंट में है कुछ इस तरह से। सो ओवरऑल ना व्हाइट कलर की, ऑफ व्हाइट कलर की कुर्ती है, इसके ऊपर ऑरेंज एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन के साथ फ्लोअर प्रिंट मिल जाती है। नीचे की साइड से ना इस तरह से ये देखिए ए लाइन कुर्ती है एंड नीचे अलग से आपको बॉर्डर मिल जाती है कुछ इस तरह की। एंड इसके नीचे ना आपको फुल इस तरह से प्लाजो मिल जाता है, बहुत बड़ा फ्लेयर है, लाइक काफी वाइड लेग का आपको प्लाजो मिल जाता है, फुल इलास्टिक के साथ काफी वाइड लेग का प्लाजो मिलता है एंड बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से वाइड लेग का प्लाजो एंड ऊपर की साइड पे शॉर्ट कुर्ती विथ अ फ्लोअर प्रिंट, काफी यूनिक कलेक्शन लग रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इस तरह से कुछ डिफरेंट आप ट्राई करना चाहते हो तो काफी अच्छा है, ट्राई कर सकते हो। फैब्रिक अगेन इसका कॉटन विथ रेयन फैब्रिक है, थोड़ा सा पॉलिएस्टर में मिक्स है लेकिन कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी गर्मी वर्मी नहीं लगेगी एंड काफी स्टाइलिश लगेगा। ये सिंपल सा टू पीस है, इसमें कोई दुपट्टा आपको नहीं मिलता है एंड ओवरऑल ट्रायल में आप चेकआउट कर सकते हो किस तरह का लगता है। सो मूविंग ऑन द लास्ट प्रोडक्ट, बस उसके पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरी चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप मिंत्रा के देखना चाहते हो वो भी कमेंट जरूर से करना। सो मूविंग ऑन द लास्ट कुर्ता सेट, तो लास्ट कुछ इस तरह से ना आलिया कट में ब्रांड लिबास से मैंने ये वाला सूट सेट ट्राई किया है। इसमें मेरी साइज है वो स्मॉल साइज है एंड मरून कलर में, पूरा फेस्टिव कलेक्शन है ये। आलिया कट में कुर्ती मिल जाती है, अलग से ऊपर पे फ्लोअर प्रिंट का योग पार्ट मिलता है एंड व्हाइट कलर की चिकन की बॉर्डर मिल जाती है, चिकन एम्ब्रॉयडरी की। एंड इस तरह से एल्बो तक की स्लीव्स मिलती है, वेस्ट लाइन से इस तरह से प्लीट्स करके फुल आपको अनारकली जैसा लुक मिल जाता है लेकिन दोनों साइड स्लीट्स आपको मिलती है एंड पूरा काफी लॉन्ग लेंथ का कुर्ता है एंड इस तरह से ये वाली प्रिंट आपको मिलती है। फैब्रिक प्योर कॉटन है, काफी ब्रीथेबल है एंड ये जो ओवरऑल आपको बॉर्डर मिलती है ना उसकी वजह से काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है ये कुर्ता सेट। नीचे की साइड पे ना आपको सेमी इलास्टिक बैंड के साथ सेम फैब्रिक में ही आपको प्लाजो पैंट मिलता है, इसका भी फ्लेयर थोड़ा नहीं मीडियम है लेकिन प्लाजो जितना है, ट्राउजर पैंट नहीं है। ओवरऑल आप ट्राई ऑन में देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट ओवरऑल लिबास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं, आपको एक दो वॉश में भी खराब नहीं होगे, कुछ इस तरह की क्वालिटी होती है। तो ये था हमारा लास्ट प्रोडक्ट। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर देना। ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो ताकि वो भी ये कलेक्शन बाय कर सके एंड यस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले एक भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।